Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मेरा ब्लॉग होने वाला है मेरा जिम में, क्योंकि बहुत दिनों से मेरा दोस्त लोग पूछ रहा था कि भीनू भाई आपका जिम करते हो, आपका ट्रेनर से मिलवा दो, आपका जिम में विजिट करा दो। सो फाइनली आज हम वही में करने वाला हूँ, आप लोग प्लीज वीडियो का एंड तक बने रहिए। आज मैं दिखाने वाला हूँ मतलब मेरा जिम में क्या क्या इक्विपमेंट है और इक्विपमेंट का नाम क्या है, और थोड़ा सा इन लोगों का मतलब रिव्यू देने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो का एंड तक प्लीज बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए गाइस, ये हमारा जिम मतलब कौन सा ऐसे दिखते हैं। ये देखो हाईवे का नज़दीक ही है, ये देखो थोड़ा आगे, यहाँ से अराउंड 200 मीटर जाने से सिलावटा टाउन मिल जाएगा। तो चलिए अंदर घुसते हैं। फाइनली मैं ऊपर जा रहा हूँ, ये देखिए जिम, हमारा जिम कैसा है। ऊपर से ऐसा नज़ारा आता है, देखो ये बहुत ही प्यारा आता है ऊपर से। देखिए ये देखिए हमारा जिम का ऊपर से मतलब ऐसा दिखता है, देखो इतना प्यारा व्यू आ रहा है। तो चलो गाइस अंदर देखते हैं फिर क्या क्या इसमें है, देखते हैं आप लोगों को दिखाता हूँ। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And मेरा नाम उज्जवल दास, जिम का नाम HD फिटनेस स्टूडियो, जो आप लोकेशन है कल्याणपुर
अबव जी ऑफिस। तो भैया आप बता दीजिए आपका फीस कितना लेते हैं और मंथली कैसे है? अच्छा हमारा मेल के लिए 1500 एडमिशन है जिसमें इंक्लूडिंग वन मंथ, और मंथली फी 1000, और लेडीज़ के लिए एडमिशन 1300 इंक्लूडिंग वन मंथ और मंथली 800। मतलब एडमिशन जो रजिस्ट्रेशन फी है वो 500 है, और लड़कों लग के लिए मंथली 1000 और लेडीज़ के लिए 800। अभी जितना भी मतलब इक्विपमेंट है सब कम दिखा दिया है, और कुछ आने वाला है क्या नया मशीन? हाँ अभी बहुत सारा मशीन आने वाला है, लेकिन हम लोग थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से अभी होल्ड में रखा हुआ है, लेकिन फिलहाल और दो तीन मशीन मे भी 10-15 दिन के अंदर में आ जाएगा। तो ये गाइस आप लोगों को हमने जिम का इक्विपमेंट जितने बता दिया है और आप लोगों को कैसा लगा है वो भी कमेंट सेक्शन में जाके बता दीजिए, और आप लोग भी इंटरेस्टेड हो तो ये जिम एक बार विजिट करके देखो, आप लोग की बहुत अच्छा रहेगा। तो फिर चलिए अंदर चलते हैं। ये हमारा गुरु, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम है मुस्तकीम अली, और हम लोग का जो जिम का जो आपको दिखाई दिया होगा जो आपका हम लोग का जिम का नाम है एच डी फिटनेस स्टूडियो जिम, जो यहाँ में ये भी एक्सरसाइज करता है, और यहाँ में हम लोग का जो क्या क्या इक्विपमेंट है वो मैं आपको दिखा दूँगा। कार्डियो सेक्शन में आपको अभी फिर हम दिखाने जा रहा हूँ। कार्डियो सेक्शन में हम लोग के यहाँ में साइकिलिंग और आपका ये हो गया रनिंग मशीन जो है फिलहाल चलकर यहाँ पर, और भी रनिंग मशीन आने वाला है जो अभी जगह हम लोग बढ़ा कर, और ये हो गया आपका डेडलिफ्ट का जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ में एक्स्ट्रा डेडलिफ्ट जो डेडलिफ्ट जो एक्सरसाइज करने से भी यहाँ कुछ फोर में कुछ मिले इसलिए डेडलिफ्ट का जो हो गया हुआ फोर, और ये हो गया आपका रिस्ट का एक्सरसाइज करने के लिए जो मशीन है रिस्ट के लिए बहुत ही अच्छा है, ये मशीन इसमें आपको आकर ट्राई कर सकते हैं। और ये हो गया आपका जो सीसी स्क्वाट, स्क्वाट के लिए बहुत अच्छा है, सीसी स्क्वाट किया जाता है इसमें, और आपका है ये मशीन स्ट्रेचर गन जो बाइसेप का एक्सरसाइज के वक्त और ये हमेशा बैक का एक्सरसाइज करने के बाद ही इसको यूज किया जाता है, ये बैक का एक्सरसाइज के बाद ही होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है जो है बहुत जरूरी है। ये काफ सीजर काफ एक्सरसाइज के लिए जरूरी है, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये हो गया लेग एक्सटेंशन वो लेग के लिए और ये हो गया इसमें एक्सरसाइज जो होता है ये ट्राइसेप का भी एक्सरसाइज होता है और चेस्ट का भी एक्सरसाइज किया जाता है, ये और पूरी चीज़ें जो बहुत बड़े में, और ये हो गया अपना स्क्वाट भी किया जो स्क्वाट गलो करता है ये बेंच प्रेस इंक्लाइन डिक्लाइन मीडियम इसमें ही होता है एक्सरसाइज, इसका जो ये आपका इंक्लाइन भी हो जाएगा डिक्लाइन भी हो जाएगा, ये हैग स्क्वाट जो हैमस्ट्रिंग के लिए बहुत ही जरूरी है, हैग स्क्वाट बहुत जरूरी है हैमस्ट्रिंग के लिए, और ये बैक का स्क्वाट है तो बैक का नीचे जो ये बहुत ही मॉडर्न है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा काम करता है। ये हो गया आपका लेग प्रेस, लेग प्रेस बहुत ही मॉडर्न मशीन है, और ये हो गया आपका बटर फ्लाई जो एक्स्ट्रा एक्सरसाइज के लिए भी बहुत ही जरूरी है, इसमें बैक का एक्सरसाइज वो बैक का एक्सरसाइज करता है दोनों जो
कार्डियो के लिए है, कार्डियो कार्डियो। और ये भी आपका शोल्डर प्रेस, शोल्डर प्रेस जो शोल्डर के लिए बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट। और आपका ये भी है चेस्ट प्रेस, इंक्लाइन चेस्ट प्रेस, जो चेस्ट चेस्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सो गाइस, हमारा गुरु ने आप लोग को जिम का रिव्यू तो दे दिया, तो आप लोग कैसे लगा है कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना। शायद कुछ साउंड की वजह से आवाज़ क्लियर ही नहीं आ भी सकता है, अगर नहीं है तो फिर से हम यूसी के लिए रिव्यू बना रहेगा और नेक्स्ट टाइम इससे भी बेटर कोशिश करूंगा कि इससे भी ज़्यादा अच्छा वीडियो आए। तो गाइस, आज का मेरा ब्लॉग यही था, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्स।